दोस्तों, अगर आप बिहार से बिलोंग करते हो और आपके घर में लगी स्मार्ट मीटर जिसकी आप रिचार्ज करने जा रहे हो फोन पे से, पेटीएम से या फिर गूगल पे से, या फिर इसके अलावा आप किसी दुकान से कहां जा रहे हो जहां आपको कहा जाता है बिजली बिल की सर्वर डाउन है, आपका बिल पेमेंट नहीं हो रहा है। जैसा कि मैं फोन पे ओपन किया हूं, यहां पे मैं अपना बिल नंबर डालकर मैं प्रोसेस करता हूं, तो यहां पे मुझे सीधा एरर आ जाए, दिस बिल इज करंटली अनअवेलेबल, प्लीज ट्राई आफ्टर सम टाइम। मैं पेटीएम से ट्राई करता हूं, यहां पे दिखा द सर्विस टू बी सम इशू विद द ऑपरेटर, प्लीज ट्राई अगेन लेटर। मैं गूगल पे भी ट्राई करता हूं, तो यहां पे इस टेकिंग लॉन्गर देन यूजुअल, वेरीफाई योर अकाउंट डिटेल, मतलब कि हम जो अपने बिल की डिटेल डाल रहे हैं हमारा बिल डिटेल फैच ही नहीं हो रहा है। ऐसा ये नहीं कि आपका फोन पे, पेटीएम, गूगल पे ETC खराब है, दिक्कत यहाँ पे है बिहार में जो कंपनी है NBPDCL उसका सर्वर डाउन है जिस कारण ये पेमेंट नहीं हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं कि आप रिचार्ज ही नहीं कर सकते हो। चलिए हम जानते हैं सबसे सटीक और इजीली प्रोसेस जहाँ पे आप अपना स्मार्ट मीटर रिचार्ज अपने फोन पे से न्यूनतम 10 रुपए का भी खुद से कर सकते हैं, कैसे, चलिए समझते हैं। वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो को बिना पहले स्किप किए एंड तक बने रहिएगा। सिंपली इसके लिए करना है कि आपको अपने प्ले स्टोर जाना और बिहार बिजली स्मार्ट मीटर ऐप आइकॉन देख लेना, बहुत तो बिहार सुगम करके आती है, उसे डाउनलोड कर लेते हैं। ये वाली बिहार बिजली स्मार्ट मीटर ऐप, इसे डाउनलोड कर लेनी है। अगर आपको चाहो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से भी क्लिक कर आप जा सकते हो। इसे सिंपली डाउनलोड कर रहे हैं, ओपन करोगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा। अगर आपने अपना रजिस्ट्रेशन कर चुका है तो ID पासवर्ड डाल के यहाँ पे अपने बिल को ट्रैक बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। अब रजिस्ट्रेशन कैसे होता है मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो दे चुका हूँ, ऊपर आई इन्फो में या वीडियो के लास्ट में या डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो का लिंक दे दूंगा, ताकि आप आराम से अपने बिल की सारी जानकारी ले सके। अभी हमें सिर्फ रिचार्ज करनी है, तो कैसे करेंगे चलिए समझते हैं, वो भी कम से कम 10 रुपए का। नीचे आपको पे बिल रिचार्ज ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करनी है और अपना कंज्यूमर नंबर दर्ज कर देनी है। मैं अपना कंज्यूमर नंबर दर्ज नेक्स्ट करता हूँ पे, तो आपकी आता हुआ डिटेल आई यहाँ पे कंटिन्यू कर जाए। कंटिन्यू करेंगे आपके बैलेंस जो एग्जैक्ट में है प्लस माइनस टॉप पे दिख जाएंगे, आपका नाम और डेट वगैरह दिख जाएगा। हो सकता है सर्वर डाउन में थोड़ी सी टाइम ज्यादा आपको प्रोसेस करने में ले सकता है, लेकिन ये खुलेगा जरूर। इसके बाद करना कि आपको यहाँ पे एक मोबाइल नंबर अपना कोई भी यहाँ पे डाल देनी है। इसके ईमेल आईडी आप नहीं भर सकते, इसके यानी कि आपको कितने रुपए रिचार्ज करें वो अमाउंट दर्ज करना है। मुझे अभी कम से कम आपको दिखानी है, तो मैं 10 रुपए का यहाँ पे अमाउंट डालता हूँ। आप यहाँ पे 1 रुपए का भी रिचार्ज कर सकते हो, मैं 1 रुपए डाल दिया हूँ आपको सिर्फ बताने के लिए। अभी वीडियो स्किप मत करना, आप जानते होंगे, लेकिन मैं सबसे शॉर्ट तरीका बताऊंगा आपको इस रिचार्ज प्रोसेस करने का। यहाँ पे आपको कार्ड वगैरह मांगे नहीं, आपको UPI इसे क्लिक करनी है। इसके बाद आपको यहाँ पे एक जनरेट QR का ऑप्शन मिला, इसे क्लिक करें। सबसे यूनिक चीज यही है इस वीडियो की, आपको सामने QR बन जाए। क्या करना, अपने वॉल्यूम प्लस मैच या 3 फिंगर को स्क्रॉल कर स्क्रीनशॉट्स कर लेनी है। अब जो आपने स्क्रीनशॉट्स लिया, इसे आप पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, अमेजोन जिससे भी हो उसे ओपन कर लेनी है। एंड यहाँ पे आने के बाद आप इसे स्कैनर पर क्लिक करना, जहाँ पे आप किसी को स्कैन कर पेमेंट करते हैं। जहाँ पे देखोगे तो आपको एक अपलोड का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करनी है। आप जैसे क्लिक करोगे आपके मोबाइल के जितने गैलरी के फोटो खुल जाएंगे। यहाँ पे जो स्क्रीनशॉट की उसे सिलेक्ट करनी है, आपको टॉप पे अपना NBPDCL दिख जाएगा, नीचे अमाउंट दिख जाएगा। यहाँ पे आपको प्रोसेस टू पे करनी है, यहाँ जिस बैंक से तो बैंक को सिलेक्ट करके यहाँ पे आपको पे पे क्लिक करनी है। फिर आपके पिन मांगी जाएगी, अपना UPI पिन दर्ज कर यहाँ ओके करेंगे। आपका यहाँ पे पेमेंट जो है मिनिमम 1 रुपए में क्या हूँ सक्सेस हो जाएगा। अब ये आपको ये करना, आपने जो बिल पेमेंट किया उस पे जो सीधा क्लिक करके आ जानी है। वेट करना है, आप देखोगे आपका इंस्टेंट वहां पे जो बिल है वो सक्सेस हो जाएगा। एंड ये जो है कुछ ही देर में आपके पेमेंट अपडेट हो जाएंगे, जिसे आप फिर से पे बिल पे क्लिक कर अपना कंज्यूमर नंबर डालकर इस बिल को चेक कर सकते हो। आपका बिल अपडेट हो गया, अगर आपकी बिजली कट चुकी है तो इंस्टेंट इसी प्रकार से रिचार्ज करके आपका बिजली सबसे फास्टेस्ट जो बिजली आती है इसी प्रोसेस करने के साथ आता, चाहे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम करो, वो थोड़ा सा टाइम लेट लेता है, इससे बहुत ही फास्ट होता है और सबसे फास्टेस्ट तरीका है आपको बिहार बिजली स्मार्ट मीटर को रिचार्ज करने की। और अभी के समय जहाँ पे आपको किसी भी ऐप पे कोई भी चीज काम नहीं कर रहा, उससे अपने फोन पे, पेटीएम, गूगल, जिससे चाहो उसे इस्तेमाल कर रिचार्ज करने की। तो ये है बिहार बिजली स्मार्ट मीटर हो रहे इशू, रिचार्ज करने आपको हो रहे परेशानी का सॉल्यूशन। बाकी आप अगर बिहार बिजली स्मार्ट मीटर ऐप पर रजिस्टर नहीं किया अभी तक, किस पर रजिस्टर की जाती है, आपके अपने बिल वगैरह वगैरह ट्रैक की जाती है, कितने डेली कंजप्शन हो रहा है, कितना बिल कट रहा है, कितने रुपए है, प्लस में सब चीज करना है, सामने वीडियो आपको देखने में चेकआउट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।